नमस्कार किसान साथियों, मैं सुरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं ओनली फार्मिंग चैनल में। जैसे कि मैंने आपको कहा था, हमने जो पुराना एक वीडियो बनाया था पहले वाला, उसमें कहा था कि हम आपको सोयाबीन की पूरी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी के लिए काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो बतानी थी, वो हो नहीं पाई, क्योंकि जो 228 के बारे में जो जानकारी लोगों को बहुत सारी चाहिए थी, जो किसान है वो जो पर्सनली जानते हैं हम लोगों को, उनने इतने सारे कमेंट किए, इतने सारे मैसेज किए कि उन लोगों को ये जानकारी देना बहुत अर्जेंट हो रही थी और समय भी कुछ आ रहा था बीच के लिए। इसलिए हमने सबसे पहले सोचा कि भाई हम सबसे पहले जो 228 है उसके बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। तो उसके बारे में हमने पूरी जानकारी इकट्ठा करी है, पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करे हैं बीज के बारे में, बीज के सर्टिफिकेशन के बारे में, और इस जानकारी को आज हम एक वीडियो बना के आपके सामने लेके आ रहे हैं। और जैसे कि हमने कहा था, हमारे पास एक अच्छी टीम है, हमारी टीम में मेरे एक सहयोगी हैं, मेरे एक भाई हैं, मेरे मित्र हैं, देवेंद्र सिंह जी। अब आगे की जानकारी आपको वो देंगे। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं देवेंद्र सिंह पंवार। तो साथियों, सबसे पहले हम किसान 228 के बारे में जो सोशल प्लेटफॉर्म पर जो मैसेजेस वायरल किए जा रहे हैं, इसके बारे में जो दावे किए जा रहे हैं कि इसकी जो शाखाएं होती है वो 4 से 5 शाखाएं होती है, बैंगनी रंग के फूल होते हैं और जो तना है वो मोटा और अच्छा मजबूत होता है। इसके साथ ही इसके जो बीज का कलर है वो हल्का पीला रंग का बताया जा रहा है। और साथियों, सबसे खास बात जो है इस बीज से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा वायरल है और जिसके कारण हर कोई इसकी तरफ आकर्षित है, और वो है इसका उत्पादन 15 से 18 क्विंटल पर एकड़, और वो भी 87 से 88 डेज के अंदर उसके पक करके तैयार हो जाती है। इसके ऊपर पहले एक अच्छी रिसर्च करें, उसके बाद में इसके कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर पहुँचे और हम हमारे किसान भाइयों को जो सटीक जानकारी दे पाएँ, जो हमारा दायित्व है। ज़्यादा जानकारी के लिए साथियों चलते हैं मेरे मोबाइल के अंदर। तो सबसे पहले हमने कॉल किया हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में और उनसे हमने बात की उसके बारे में। तो उनका साफ कहना था कि इस तरह का कोई भी बीज आज के समय में न तो प्रमाणित है और ना ही इस प्रमाणीकरण की प्रोसेस के अंदर है। तो साथियों, उसके बाद हमने जो उस वायरल मैसेज के अंदर कंपनी का नाम दिया हुआ है, उस कंपनी के नाम से जब हमने कुछ सर्च किया इंटरनेट के ऊपर, तब हमें यह एक वेबसाइट मिली और इस वेबसाइट के अंदर जो वो हूबहू जानकारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है वो इसके अंदर मिली। जैसा आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी सभी वही जो दावे कि उसमें किए जा रहे हैं वो, उसकी जो विशेषता हैं वो सारी, उसकी पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। आप चाहें तो मैं इसका पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से आप भी देख सकते हैं। लेकिन साथियों, हमें थोड़ा सा इसके ऊपर जब ये एक डेट जो इन्होंने लिखी हुई है 12/2/2019 12 फरवरी का जो डेट इन्होंने लिखी है, उससे हमें थोड़ा सा वापस डाउट हुआ, क्योंकि इन वीडियोस के अंदर या जो मैसेजेस जो वायरल हो रहे हैं उनके अंदर दावे किए जा रहे हैं कि वो 2017 से या 2018 से ये फसल लगा रहे हैं और ये पैदावार ले रहे हैं। तो जब अगर वेबसाइट के अंदर और जो कंपनी है उस कंपनी ने ही इसकी जानकारी फरवरी 2019 के अंदर उन्होंने प्रेषित की है, तो उन तक ये जानकारी कैसे पहुंची? और उसके अलावा भी दोस्तों, जब हमने थोड़ा सा गौर से इसके बारे में देखा, तो आप देख रहे होंगे कि किसी भी कंपनी की वेबसाइट के अंदर इस तरह के जो एड्स जो आते हैं वो नहीं होते नॉर्मली। पूरी तथ्यात्मक जानकारी जुटाने की कोशिश की तो सबसे पहले हम हमारे सोयाबीन रिसर्च सेंटर की जो वेबसाइट है हम उस पर गए, किसमें है उनके बारे में जानकारी हमने जुटाई। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे, इसमें कुल 44 जो वेराइटीज़ है उनका नाम दिया हुआ है और वो कब उन्होंने डेवलप की है उसके बारे में भी जानकारी दी हुई है। तो 1983 से लेकर के 2019 तक की इन्होंने पूरी वेराइटीज़ इसमें दी हुई है, लेकिन कहीं से कहीं तक इसमें आपको ये किसान 228 नहीं दिख रही होगी, जैसा कि आप भी इसमें देख पा रहे होंगे। जैसे कि तो थोड़ा सा हमारा डाउट और बढ़ा, जवाहरलाल नेहरू के नाम से एक संस्थान बना हुआ है, उसकी साइट हमने जाकर के देखी,
जो हमारी जितनी भी JS की जो वेराइटीज़ हैं वो सारी वहीं से डेवलप की जाती हैं। तो उसके अंदर भी किसी तरह का कोई किसान 228 का मैं नाम नहीं मिला। हाँ, कुछ जो फ़ोटोज़ जो इसके अंदर दिखाए हुए थे वो फ़ोटो किसान 228 के नाम से जो प्रचारित किए जा रहे हैं उनसे कुछ मिलते जुलते, जैसा आप देख पा रहे होंगे JS 2034, इसका जो फ़ोटो है ये कुछ हद तक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचारित किए जा रहे फ़ोटो उनसे मेल खाता हुआ हमें लगा। कि विश्वास करने योग्य जो साइट्स थी ये mpkrashi.org, इसके अंदर भी कहीं से कहीं तक हमें इसके बारे में किसान 228 की कोई जानकारी नहीं मिली। हाँ, इसमें एक जो बीज है माउस 2, जैसा आप देख पा रहे होंगे माउस 2 पूजा के नाम से, ये 105 से 110 दिन की इसकी अवधि है। और इसमें जो स्पेशलिटीज़ जो इसकी दी हुई है स्पेसिफिकेशन वो हूबहू उससे मैच खाते हुए हमें दिखे। और इसके अलावा भी एक और वेराइटी है, अब जब हमने रिसर्च की तो हमें उसके बारे में भी पता चला, माउस 612, उसके भी स्पेसिफिकेशन और सारी चीज़ें बहुत हद तक इससे मैच खाती हुई दिखी। तो हमारा थोड़ा और डाउट इसके ऊपर बढ़ा और पता करने की कोशिश की, तो मैंने कुछ PDF डाउनलोड किए हैं। लगभग 100 से ऊपर किस्मों के उसमें नाम दिए हुए हैं, लेकिन इस पूरी लिस्ट के अंदर भी जैसा आप ये देख पा रहे होंगे डिटेल ऑफ 15 ईयर्स ओल्ड वेराइटीज़ ऑफ सोयाबीन, यानी पिछले 15 सालों में जितनी भी सोयाबीन की नई वेराइटीज़ आई है वो सारी वेराइटी इसके अंदर दी हुई है। लेकिन इसके अंदर भी कहीं से कहीं तक हमें किसान 228 के बारे में जानकारी नहीं मिली। एक केवल फूले कल्याणी जो 2005 में डेवलप हुई वो DS228 के नाम से ज़रूर मार्केट में अवेलेबल है, और ये मुख्यतः महाराष्ट्र के अंदर उगाई जाती हैं क्योंकि इसकी जो अवधि है वो लगभग 100 दिन और उसके भी ऊपर है। इसके अलावा साथियों एक और PDF हमने डाउनलोड किया था और इसमें भी कई वेराइटीज़ दी हुई है। इन वेराइटीज़ के अंदर भी जब हमने रिसर्च किया तो हमें पता चला कि इसमें भी कहीं से कहीं तक किसान 228 का नामो निशान नहीं है। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य हमें इस रिसर्च को आगे बढ़ाते समय तब हुआ, हमने फेसबुक के ऊपर, हमारे कलेक्टर महोदय हैं के मध्य प्रदेश के अंदर हदा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के, जब हमने उनकी पोस्ट को जब हमने देखा, लेकिन जब आप यहाँ पर आकर के देखते हैं 2 जून का उनकी पोस्ट है उसके अंदर, तो उन्होंने साफ लिखा हुआ है खरीफ फसल हेतु कृषकों को सलाह, उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास हरदा ने अवगत कराया है कि वर्तमान में आगामी खरीफ सीजन हेतु कृषकों द्वारा विभिन्न स्रोतों से सोयाबीन बीज की व्यवस्था की जा रही है। किसानों से मिली जानकारी अनुसार कुछ प्राइवेट विक्रेता एवं कंपनियों द्वारा सोयाबीन की 1025, 1050, 6124 और किसान 228। किसान साथियों आपको जैसा साफ इसमें दिख रहा होगा इस पोस्ट के अंदर किसान 228 का उन्होंने साफ इसमें नाम लिखा हुआ है, किस्मों की उत्पादकता का बड़ा चढ़ाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वास्तव में उपरोक्त कोई भी किस्म भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं की गई है। कतिपय कंपनियों द्वारा भ्रामक प्रचार प्रसार कर विक्रय की मंशा से कृषकों को लुभाया जा रहा है। उन्होंने अनुरोध किया है कि ना तो इस प्रकार की कोई भी प्रजाति बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रियाओं के अधीन उचित की गई है और ना ही इसका प्रमाणित बीज उपलब्ध है। तो किसान साथियों ये वाला पोस्ट पढ़ने के बाद आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि ये जो किसान 228 है कहीं 1025, 1050, 6124 के नाम से भी प्रचारित प्रसारित की जा रही है और उसके अंदर भी इसी तरह की उत्पादकता के दावे किए जा रहे हैं जो पूरी तरह से असत्य हैं और वो केवल और केवल किसानों को लूटने के लिए और अपनी दुकानदारी चलाने के लिए किए जा रहे हैं। साथियों इसके अलावा भी हमारे पास में कुछ फेसबुक के माध्यम से और अलग अलग जगह से हमारे पास कुछ फ़ोटो आए हैं, बताना चाहूँगा। जैसा आप ये फ़ोटो देख पा रहे होंगे जो अभी सोशल मीडिया पर भी
बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो आप ये देख पा रहे होंगे इन्होंने ये जो फोटो पहुंचाया है ये अगस्त 2018 का है। अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें लास्ट में लिखा हुआ है अगस्त 2018 की, और जो फलियां और वो सब देख करके उसे लगता है कि ये फ़ोटो इस सीज़न का तो कम से कम नहीं है। यानी अगर हम इसकी सत्यता की को कम से कम नज़दीक का माने तो ये 2017 की जो सीज़न है सोयाबीन की उसका फ़ोटो हो सकता है। इसके अलावा एक और जो फ़ोटो हमारे पास में आया था, ये जो आप देख पा रहे हो, आपको कुछ इसी तरह के फ़ोटो आपको वायरल मैसेजेस में भी मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास में जो आया है कि उनका ये दावा है कि ये जो फ़ोटो है जो हमारी JS-2034 है उसका फ़ोटो है। इसकी वास्तविकता के बारे में पता चल ही गया होगा, सभी इसके बारे में अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं। और अब हम इसके बारे में आगे के कंक्लूजन के लिए हम दूसरे वीडियो पर चलते हैं। तो साथियों, अब आपको सारी चीज़ें वैसे पता चली गई है कि इसकी वास्तविकता क्या है। तो साथियों, अब अगर कोई भी आपको इसके बारे में भ्रमित जानकारी अब वापस और भी कोई देता है, कोई दुकानदार देता है, तो आप उनसे दूर रहें। और कोई किसान भाई अगर आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं और इसके बारे में आपको प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, तो आप उन्हें भी हमारे इस वीडियो के बारे में जानकारी दें और उन्हें इसकी सत्यता से उन्हें परिचित करवाएं कि ताकि उस किसान भाई का भी समय और पैसा बर्बाद होने से बचे और आपका भी बचे। क्योंकि इसकी जो आज के समय में मार्केट के अंदर रेट्स है वो 12,000 से 15,000 रुपये क्विंटल इसको बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर, जबकि आज के समय में 4,000 रुपये क्विंटल का रेट नहीं है सोयाबीन का, यानी 3 से 4 गुना रेट में। तो साथियों, अब ये आप ही के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। और बस केवल हमारी तरफ से यही विनती है कि आप इसको न लगाएं, न किसी दूसरा भाई लगा रहा हो तो उन्हें भी ऐसा करने से रोकें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें कि ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आप तक ऐसी नई नई जानकारी लेकर के आते रहें। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत।